माँ क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? पानी पियो। माँ तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगाया दे। इस खांसी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। लगता है दवाई भी कुछ फायदा नहीं कर रही मेरा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, डॉक्टर ने कहा है अगर तुम दवाई टाइम पर खाओगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ डॉक्टर साहब, तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है, उनको लंग कैंसर है। पर कैंसर अभी इनिशियल स्टेज पे है, अगर 2 हफ्ते के अंदर उसकी सर्जरी नहीं की गई तो फिर उनका बचना मुश्किल है। तुम सर्जरी के लिए जल्द जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। 5 लाख? ठीक है डॉक्टर साहब। यश क्या हुआ? डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब का फोन आया था, अगर तुम दवाई टाइम पर खाओगी ना जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मुझे निकलना पड़ेगा, तू अपना ख्याल रखना। बेटा टिफिन। बाय बाय। तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है, उनको लंग कैंसर है यश। जल्दी से जल्दी 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, सर्जरी करनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी 5 लाख का इंतजाम कैसे करूं? 3 महीनों से नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर ना नौकरी और ना ही जेब में पैसे। ऊपर से हर रोज माँ से झूठ बोलकर घर से निकल जाता हूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ भी करके माँ की सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करना पड़ेगा, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। Hello, good job, huh? Thank you so much. Client tumhari service se kafi khush hai. Happy private service ka naam uncha kar diya tumne. Bahut aage jaoge. Abhi to bahut bade bade kaam karne hain tumhe. Anyways, tumhari aaj ki payment. Thank you so much. See you soon. एक्सक्यूज मैम, मैम मेरा नाम यश है। मैंने देखा कि आपने उस लड़के को उसकी अच्छी सर्विस के बदले लाखों रुपए दिए। वो क्या है ना मैम, मुझे जॉब और पैसे की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे आप अपनी कंपनी में जॉब दे दीजिए। मैम मेरी प्लीज़ बात सुनिए मैम। मैम मोनिका, मोनिका नाम है मेरा, मैम नहीं। वैसे तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों है? मेरी माँ को लंग कैंसर, डॉक्टर ने बोला है अगर हफ्तों के अंदर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे 5 लाख की जरूरत। तुम मोनिका के पास आए हो और इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर तो कुछ करना ही होगा। और वैसे भी हमारी हैप्पी प्राइवेट सर्विस में तुम जैसे हैंडसम यंग बॉयज की जरूरत पड़ती ही है। ओके, तुम समझो तुम्हारा काम हो गया, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मैम,
थैंक यू सो मच। चलो तो मैं तुम्हारा काम समझाती हूँ। कम सिट इन द कार। अरे वहां क्यों रुक गए तुम? अंदर आओ। मनिका जी आपने तो कहा था ऑफिस चलेंगे अपन, लेकिन ये तो बेडरूम है। कम ऑन यश, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा सोचो मत। हैव अ सिट। नहीं नहीं मोनिका जी, मैं ड्रिंक नहीं करता। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? एंड इट्स जस्ट अ वाइन, डोंट बी सो फॉर्मल। हां बनता है, कम ऑन, वाइन है। मोनिका जी, अभी तक आपने बताया नहीं कि मुझे काम क्या करना है। हमारा काम यहाँ बेडरूम से ही शुरू होता है और हमारी हैप्पी प्राइवेट सर्विस का काम है जो डाइवोर्स लेडीज होती है बसिप, उन्हें सेटिस्फाइड करना। मतलब जैसे कि जिनके पति उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तुम्हारा काम होगा उन्हें खुश करना। खुश करना? आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब कि तुम्हें उनके साथ सोना होगा। अगर मुझे पता होता कि आप ये सब करती हैं, तो मैं आपके साथ कभी नहीं आता। यश, एक मिनट रुक जाओ। ये हैं पूरे 5,00,000 रुपए। जाने से पहले एक बार सोच लो, अगर ये पैसे तुमने ले लिए तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है, और अगर नहीं तो तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। और ये तो सिर्फ एडवांस है, बाकी का काम होने के बाद। अब बताओ काम कब से शुरू करना है? Let's...
दिखने में तो खरा सोना लगता है, लेकिन ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? क्या हमारी शक्लें पसंद नहीं आ रही क्या ऐसे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना थोड़ा नया है इसलिए घबरा रहा है। इन सब ने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं एंजॉय करने के लिए, मुंह मत लटका रहो, एंजॉय करो। लेडीज ही विल बी फाइन, यू एंजॉय। चलो लेडीज हैव फन। लेडीज एंजॉय योरसेल्फ। आज तो मजा ही आ गया मोनिका, लाइफ में पहली बार ऐसा एंजॉय किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ लेडीज आज काफी खुश हैं। तुमने हैप्पी प्राइवेट सर्विस का नाम ऊंचा कर दिया, बहुत आगे जाओगे। सो ये रही तुम्हारी आज की कमाई और साथ में तुम्हारी अच्छी सर्विस का बोनस। मनी मनी मनी, हैप्पी प्राइवेट सर्विस द बेस्ट। अरे माँ तू अभी तक सोई नहीं? आज तो ऑफिस से सीधे कमरे में आ गया, खाना भी नहीं खाया तूने, ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, वो आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था तो थकान की वजह से सीधा रूम में आया और लेट गया। माँ एक खुशखबरी है। अच्छा? मैंने आज डॉक्टर से तुम्हारी सर्जरी की बात करी तो बहुत जल्द तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर बेटा सर्जरी के लिए तो लाखों रुपए आएंगे कहाँ से? माँ उसकी चिंता मत कर, तू मेरी एक नई कंपनी में नौकरी लगी है और वहाँ पर मुझे एडवांस में पैसे दे दिए तुम्हारी सर्जरी के लिए। पर बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, काम छोटा हो या बड़ा पर हमेशा अपनी माँ का सर कभी मत झुकने देना। हाँ माँ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बस अब मुझसे घिनौना काम नहीं होगा। इतनी जल्दी रंग बदल दिया यस डार्लिंग, मोनिका से भाग रहे हो लेकिन
मोनिका से बच के जाओगे कहाँ? वापस मेरे पास ही आना होगा। कौन है? अरे हाथ हटाओ ना, कौन है? तुम? अरे तुम चंडीगढ़ से क्या भाई? अब सवाल ही पूछते रहोगे या अपनी गर्लफ्रेंड को हग भी करोगे? कितने महीने बाद मिल रहे हैं हम? हाँ हम भी। पर मैं ना तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ना तुम कॉल कर रहे थे और ना ही इतने महीनों से मेरे कॉल का कोई आंसर कर रहे थे। I'm so sorry. कुछ काम में फंसा था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन तुम चंडीगढ़ से यहाँ कब आई? मैं चंडीगढ़ से कल ही आई हूँ। और तुम्हें पता है मेरी दिल्ली में यहाँ पर जॉब लग गई है और यहाँ पर ना मैं अपनी कजन सिस्टर के साथ रह रही हूँ। Congratulations यार। प्रिया? हाँ दी। घर चले? हाँ चलो, मैं तुम्हें अपनी दी से मिलवाती हूँ। कम दी, ये यश है मेरा बॉयफ्रेंड। हाय यश। मुझे नहीं पता था कि यश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हॉट और चॉकलेटी बॉय है। एक काम क्यों नहीं करते, आज रात डिनर पे मिले, वहीं बैठकर बातें भी हो जाएंगी। सुपर आइडिया। सॉरी आज मैं आ नहीं पाऊंगा, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। यश क्या अर्जेंट काम है, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ। मना मत करो ना, आज हम लोग साथ ही डिनर करेंगे प्लीज। अच्छा डिनर पर मिलते हैं यश, सी यू। चलो पता है दीदी, मैं यश से सोशल मीडिया पर मिली थी और फिर हमने बातें शुरू हो गई। फिर यश चंडीगढ़ आए मुझे प्रपोज करने। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो यार। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कहाँ लगी है? I mean, कौन सी कंपनी में लगी है? वो मैं। अरे इतना हैंडसम लड़का है तो जरूर किसी आईटी कंपनी में ही काम करता होगा, नहीं? राइट यश? यस। बहुत मिस किया यश मैंने तुम्हें। सच कहूँ तो मेरे दिल्ली आने की वजह सिर्फ तुम हो यश। मैं अब और दूर नहीं रह सकती ना तुमसे,
मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। दूर तो मैं भी नहीं चाहता तुमसे रहना प्रिया। यश, सब ठीक है ना? आई एम सॉरी, वो मैं। यश, तुम कुछ दिन से बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। वो तुमसे इतने दिनों बाद मिला हूँ ना, इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन अब सब ठीक है। पक्का ना? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या कर रही हो? कब से फोन कर रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? हाँ, अभी तो हमने काम करना शुरू भी नहीं किया था मेरी जान, और तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था काम में, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। ओह, बिजी थे? कोई बात नहीं मेरी जान, मैं तो बस ये बताने के लिए फोन कर रही थी। कल तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स है, तो टाइम पर पहुंच जाना। हाँ, मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। ठीक है, मत करो, जाओ। सब क्या है मोनिका? ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। पता है अब मैं किसे दिखाऊंगी? हमारी गर्लफ्रेंड प्रिया को। रुक, और तो तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? अरे यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं प्रिया। अरे वो यश को मैंने ही अपने कमरे में बुलाया था। वो क्या है ना, मैं कॉफी बनाने जा रही थी तो यश को पूछ लिया, लेकिन इसने तो मना कर दिया। लगता है बहुत जल्दी में है, नहीं? हाँ, जल्दी में। ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास। पता है अब मैं किसे दिखाऊंगी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया को। आप छोटा हो या बड़ा, पर हमेशा अपनी माँ का सर कभी मत झुकने देना।
रिया तुम यहाँ? क्या बात है, तुम दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हमें पता चल गया है कि तू मेरे पीठ के पीछे क्या करता है। इतना सब कुछ हो गया और तूने बताया तक नहीं। क्या कोई ऐसा करता है बेटा अपनी माँ के साथ? लगता है मोनिका ने इन सब लोगों को सच्चाई बता दी। माँ माँ मैं आपको सब समझाता हूँ। चुप रहे। अरे तू तो ऐसा घबरा गया कि तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो हमने। इतने दिनों से जानते हो तुम एक दूसरे को, लेकिन तूने तो कभी बताया नहीं प्रिया के बारे में, न कभी मिलवाया मुझे। प्रिया ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे रिश्ता मंजूर है। अब तुम मेरी बहू बनोगी, चल से चल। किसी के नजर ना लगे मेरी बहू को, मुझे तो बहुत पसंद आई। प्लीज मोनिका मुझे माफ कर दो, उसके काम अब नहीं हो पाएंगे। पहले मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अब मजबूर नहीं हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। मैं माँ और प्रिया को धोखा नहीं दे सकता। ये बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी ये वीडियो है ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को भेज दूंगी, समझे तुम? अरे मोनिका क्या खुसर बुसर चल रही है, हम लोगों को और कितना वेट करना होगा। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपको अच्छी सर्विस देने के बारे में इसे थोड़ा समझा रही हूँ। आखिर आप लोगों को भी तो मजा आना चाहिए ना। क्यों, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। इस बार ग्रुप में नहीं, एक एक करके एंजॉय करेंगे आराम से। नो बिहेव योरसेल्फ। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, आज लेडीज ज्यादा खुश हैं पहले से। आज की सर्विस तो तुम्हारी पहले से भी अच्छी थी। एनीवे, तो ये रहे तुम्हारी आज की कमाई। अपने पैसे अपने पास रख।
कितनी देर कर दी आने में। हम मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, बोलकर तो गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा। पता है यश, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से माँ जी ने मुझे ये कंगन देकर अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया है ना, तब से मैं बस हम दोनों की शादी के बारे में ही सोच रही हूँ। और हनीमून पर कहाँ जाएंगे? अच्छा यश, तुम्हें पता है गोवा बहुत ही रोमांटिक प्लेस है। हनीमून पर ना हम गोवा ही जाएंगे, ठीक है? मैं ही कब से बोले जा रही हूँ, तुम तो चुपचाप खड़े हो। चलो छोड़ो, आज ना हम कहीं बाहर चलते हैं। आज हम दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे, ठीक है? तो अभी जल्दी से चलो। यश प्लीज चलो, प्लीज जाओ। यार प्रिया, तुम अपने पैसे अपने पास रख। ये बिल्ली मुझे से म्याऊं, सबके सामने मेरी बेइज्जती करके। अच्छा मैंने किया यश, कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और जिस दलदल से तुम निकलना चाहते हो ना, शायद तुम जानते नहीं इस दलदल में धंसने का रास्ता था निकलने का नहीं। पर वैसे भी प्राइवेट सर्विस में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी मैं यस जाने में। आपने एक बार कह दिया, समझ लीजिए डील डन। यश की फरमाइश है तो पूरी होगी। यश शाम को आपके फार्म हाउस पे पहुंच जाएगा। आप हमारी पुरानी क्लाइंट हैं, आपकी फरमाइश पूरी करना हमारा फर्ज है। बाकी आप एडवांस डलवा दीजिएगा अकाउंट में। थैंक यू सो मच। हाँ यश मेरी जान, तुम तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। नॉट बैड। फोन क्यों नहीं उठा रहा? दी, मोनिका दी, मोनिका दी, क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? यश, क्या हुआ यश को बोलो। उसने कल रात को सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को गोली मार दी। आप मेरे साथ चलिए यश के घर। तुम जाओ, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। जा। बेवकूफ लड़का, इतनी जल्दी सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब इतने कम टाइम में लड़का कहाँ से लाऊंगी मैं? लड़का नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। गॉड, क्या करूं? प्लीज हेल्प मी। हाय राहुल, तुम आज शाम को अवेलेबल हो क्या?
एक बड़ा काम आया है, पैसे बहुत लेंगे। क्या तुम दिल्ली से बाहर हो? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, बाय। अब क्या करूं? हेलो हेलो मोनिका मैडम, मैडम मैं सुरेश बोल रहा हूँ। मैडम मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ काम दे दीजिए। ओह, तुम्हें काम की ज़रूरत है? वेल, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। एक काम करो, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ अभी के अभी आ जाओ। जी, ऑलराइट, बाय। Thank God, बच गए आज तो। अरे सुरेश, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, क्या सोच रहे हो? आपने तो बोला था कि ऑफिस में आना है, लेकिन ये तो बेडरूम है। हमारा काम बेडरूम से ही शुरू होता है। आप जब से शुरू करना चाहें शुरू कर दें, बताइए क्या करना है। तो आओ मेरे पास, बताती हूँ क्या काम करना है तुम्हें, आओ ना। तो हमारा काम है हाई प्रोफाइल लेडीज़ को सर्विस देना, मतलब जैसे कोई डाइवोर्स लेडी होती है उसको खुश करना, कोई अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है उसे खुश करना। हैप्पी प्राइवेट कंपनी का काम है उन्हें खुश करना, तुम्हारा काम है उन लेडीज़ को खुश करना, समझे कि नहीं? समझे, मैं तो इसके लिए पैदा हुआ हूँ। मैं रेडियो कब से करना है? यू नॉटी बॉय, बड़ी जल्दी में लगते हो, तुम्हें तो स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दीजिए ना ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। सो रेडी ट्रेनिंग के लिए? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, ये हम पुलिस वालों की तमीज है। क्या पुलिस? हाँ, इंस्पेक्टर राठौर, सुरेश राठौर। यश, तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ, और जब तक ये तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब न कर दूं तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रिया ने तो कहा था कि तुमने सुसाइड कर ली थी। ये सब एक ट्रैप था दी, आपकी असलियत सबके सामने लाने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से यश अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था। और तभी पागल हो गए हो गया यश, तुम ये क्या करने जा रहे थे तुम? प्रिया तुम्हारी बहन मोनिका। मोनिका दी, यस
मजबूरी में किया गया काम अपराध नहीं होता। हमें मोनिका जी का सच सबके सामने लाना ही होगा। अरे हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बहुत खतरनाक औरत है। एक प्लान है मेरे पास और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि साबित कर सको कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। अब तो सबूत की चिंता करो ही मत। कांस्टेबल, सारे सबूत अच्छे से, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए। चंद रुपयों के लिए तुमने न जाने कितने ही लड़कों की मजबूरियों का फायदा उठाया है। हाँ इंस्पेक्टर, ले जाइए इस औरत को मेरी आंखों के सामने से और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, देख लूंगी तुम्हें। थैंक यू सो मच प्रिया, मेरा लास्ट तक साथ देने के लिए।